हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो यहाँ पर मेरे यहाँ पर क्लीनिंग, यानी कि दिवाली की क्लीनिंग शुरू हो चुकी है। तो अभी होगा पेंट रूम में, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे होने वाला है। सामान सारा निकल चुका है बाहर, जितना भी रखा हुआ है पूरा निकल चुका है। चलो अभी फटाफट से पहले झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद पेंटिंग होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलो फिर चलते हैं। यहाँ पे ना डुगू को देख लो क्या कर रहे हैं, सामान देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ कर चुका है। वैसे ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ पे बाकी का सारा कुछ निकल गया है। टेबल रह गई, मतलब बेड के ऊपर टेबल लगी हुई, जो कि तखत बोलते हैं जिसको, तखत के ऊपर टेबल लगी है। सो अभी पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि उसको जो भी वाइट सीमेंट होता है ना उसको पोतेंगे वहाँ ऊपर, और हम बाकी का पेंट होगा। तो पेंट के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता है, बस यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं। पानी गर्म हो जाएगा तो फिर करते हैं और ट्राफों से शेयर भी करेंगे। और यहाँ पर ना जो है हस्बैंड भी खुद पेंट करने वाले हैं, कोई और करने वाला है। डुगू सताने में जा रहा है, कुछ सामान फेंक रहा है, तो मैं मना कर रही हूँ कि नहीं सतान नहीं करो, मतलब सामान नहीं फेंको। तो चलो फटाफट से पहले पानी लाती हूँ, फिर आप लोगों से लेती हूँ। तो यहाँ पे ना बस किचन वाइट वाला जो वो था डिस्टेम्पर था वो पेंट हो चुका है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। पहले उन्होंने वाइट वाइट कर लिया था यहाँ पे बिना पेंटिंग के पहले का, और वहाँ पे यहाँ पे ना जो डिस्टेम्पर वाला कलर बनवा के लाते हैं एशियन पेंट्स का, तो वो बनवा के लाए हुए हैं। तो बस पानी वो करके थोड़ा सा वो कर लेंगे, पानी ऐड करके, और इसमें थोड़ा ही पानी ऐड किया है, मतलब आधे डिब्बा। एक लीटर का होता है पैकेट, मतलब डिब्बा एक लीटर का होता है, इन्होंने आधे लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया है। और क्योंकि पिछले साल के अभी इसमें पेंट हुआ था, तो थोड़ा सा और पेंट डाल पानी डाल लेंगे। बहुत ही वो नहीं चाहिए था हमें, थिक नहीं चाहिए था, तो पतला चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि पिछले साल का था ना इसलिए इतना वो नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर दो पैकेट हैं, और दो पैकेट में उन्होंने डेढ़ डिब्बे पानी डाला हुआ है, दो पैकेट आया हुआ था तो डेढ़ डिब्बे पानी डाला हुआ है। और यहाँ पे बस पेंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो पेंटिंग होने पे ना काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। जब मैं आप लोगों को पूरा लास्ट में दिखाऊंगी, अगर आप लोगों के पास रोलर हो तो रोलर से कर सकते हैं, क्योंकि एशियन पेंट्स का जो होता है वो रोलर से ही बहुत अच्छा आता है कलर। और यहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे ना तो गीले हो गए हैं पीछे साइड से, आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे देखो पेंट हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा आया है। और अगर आप लोगों के पास जैसे कि मैंने बोला रोलर हो तो उससे कर सकते हैं, तो दो कोट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक ही कोट किया हुआ है, काफ़ी अच्छा कलर आ गया। ज़रूरी नहीं था कि दो कोट कर लें, और क्योंकि अकेले ही कर रहे थे, काफ़ी ऊँची दीवार है, मेरे यहाँ ना वो स्टैंड नहीं है जिस पे खड़े होकर पेंट वगैरह करते हैं, तो मैं करवा नहीं सकती थी, इसलिए इन्होंने अकेले ही किया हुआ। तो आप देख सकते हैं सूखने के बाद बहुत अच्छा कलर आ गया है, और इसको इसी तरीके से पेंट किया जाता है। अभी ना मैंने इसके लिए कुछ ऑर्डर किया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ना येलो कलर से पेंटिंग होना स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे येलो कलर से पेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि दो दीवार है ना येलो कलर से करी हुई हैं, दो पर्पल कलर से करी हुई हैं। मैंने तो बोला था वाइट से कर दो या फिर लाइट पर्पल ले आओ, लेकिन पहले से ही येलो कलर था, तो इन्होंने बोला नहीं रहने दो येलो ही कर देते हैं। फिर जब वहाँ पे छतरपुर में घर मिल जाएगा तो वहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे पेंटिंग हो चुकी थी, तो ये तख्त है ना, तख्त और टेबल के ऊपर खड़े होकर उन्होंने पेंट किया हुआ था। तो बस मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है ना पेंट, गीला होता है तो तुरंत सूख जाता है, लेकिन सूख गया था क्योंकि पंखा चल रहा था। इतनी तो गर्मी हो ही रही है, थोड़ी सी बैकग्राउंड से आवाज़ आएंगे तो इग्नोर कर दीजिएगा। इनसे मैंने बोला था वीडियो शूट करने के लिए, तो काफ़ी उन्होंने तिरछा कर दिया, सीधा कर दिया, जैसे भी बना दिया बट कर दिया उन्होंने शूट। तो बस यहाँ पे मैं कलर जो है साफ़ कर रही हूँ, मतलब सफ़ाई वगैरह कर रही हूँ, तो धीरे से हमारी जो है धीरे धीरे सफ़ाई हो जाएगी। एक कमरा जो है फाइनली आज हम लोगों का जो बेडरूम था वो निपट चुका है पेंटिंग होने से, और बाकी के अभी पेंटिंग होते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना दिवाली पे हर बार पेंटिंग होती है। कई जगह तो हर बार पेंटिंग नहीं होती, कभी कभी होती है, दो तीन साल में एक बार हो जाती है, बट हम लोगों के यहाँ साल में हर बार जो है पेंटिंग होती है।
तो इन्होंने वो कर दिया, पेंट कर दिया, क्योंकि अभी मजदूर नहीं मिल रहे थे ना पेंट करने के लिए, और वैसे खुद ही कर लेते हैं ज़्यादातर। तो देखते हैं बाकी का, अगर इनको टाइम होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो फिर खुद ही ये जो है मजदूर लगा लेंगे। यहाँ पे बस मैं कपड़े उठा उठा के लेके आई थी, जैसे कि यहाँ पे इस बार ना थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैं आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या क्या चेंज किया हुआ है, और आगे दिखाती हूँ मैं भी आप लोगों को वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा कुछ सामान सेट कर। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे देखो मेरी क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ हो चुका है, पेंटिंग का भी सारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट, और जो पोछा वगैरह लगना था वो भी मैं लगा चुकी हूँ, सारा कुछ साफ हो गया, सेट हो गया। तो एक बार मैं आप लोगों को नीचे से दिखा दूँगी। और नहाने के लिए जा रही थी मैं, मैंने कहा चलो अब नहा के आ जाते हैं, फिर आप लोगों से बात करेंगे, नहा के आ जाऊँगी, फिर आप लोगों को एक बार बैक कैमरे से सारा दिखाऊँगी कि इस बार कहाँ क्या सेट किया है किस तरीके से। और भैया यहाँ पर लेट गया है तो थोड़ा सा कमरे में जगह निकल आई है, इस तरीके से सेट किया है हम लोगों ने। सो चलो मैं पहले नहा के आ जाती हूँ फटाफट से, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे क्या किया है, किस तरीके से सेट किया है, और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। तो चलो फिर मैं भी मिलती हूँ आपसे। सो यहाँ पे ना इस बार पहले एंट्रेंस में मैंने यहाँ पे एक साइड जो सोफ़ा कर दिया है, यहाँ पे ड्रेसिंग हुआ करती थी तो मैंने सोफ़ा कर दिया, ड्रेसिंग हटा दी। यहाँ पे मैंने ये टेबल रख दिया, क्योंकि हम लोग जब चले जाते हैं ना तो फिर पापा मम्मी को जो है कपड़े उठाने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। यहाँ पे खटिया इस तरीके से रख दिए, तो फिर यहाँ पे बिछा देंगे, यहाँ नीचे साइड में यहाँ पे बिछा देंगे। और यहाँ पे भैया लेटा हुआ है तख्त के ऊपर, और ड्रेसिंग ना यहाँ पे रख दी है, तो क्योंकि आप लोगों को पता है रूम बहुत बड़ा नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी जगह में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से रख दिया, और जो मेरी चप्पल वगैरह है वो टेबल के नीचे रख दी है, क्योंकि थोड़े दिन के लिए ही आते हैं, बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं आते हैं, तो ठीक है फिर। सो फैमिली कैसे हैं आप सब, काफ़ी देर बाद आप लोगों से मिली हूँ। नहा धोने के बाद मैंने आप लोगों को रूम का फुल लुक दिखा दिया है, कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर कॉमेंट करके। और बाहर ना डुकुर हो रहा है, क्योंकि उसको पापा के पास जाना है, पापा अभी उसके आए नहीं है, आ जाएंगे तो फिर वो चला जाएगा, क्योंकि वो सेवा गया हुआ था ढाबा पे, तो उसको भी साथ में जाना है। सो सेवा आ तो गया है, और तीन हुई थी आज, हाँ इनके बालों की कटिंग करवा दी है आज, और दूर हो रहा था, मैंने सब सिल लिया, फोन भी आए थे बहुत। हाँ सो डुकुर हो रहा है क्योंकि उनको जाना है पापा के पास। आज मैंने पिंक वाली लिपस्टिक अप्लाई करी हुई है, तो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। मुझे तो अच्छी लग रही है लगाने पे, काफ़ी दिन बाद मैंने अप्लाई की है, और वो देखो आते आ रहा है रोते हुए, और इतनी जा रही है, हाँ मम्मी जा रही है बाहर लेके उसको, तो देखते हैं कहाँ लेके जा रही हैं। और ना आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो चेहरे पे आप लोगों को थकावट नज़र आ रही होगी, बहुत ही ज़्यादा थकावट दस, है। दस मिस कॉल आई है, हाँ दस दस मिस कॉल आई। सो बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, अभी खाना वगैरह बन चुका है, सब्जी बनाई थी मैंने, और उसकी बड़ी थी आलू बड़ी टमाटर की, तो सब्जी बन चुकी है, रोटी बन चुकी है, और अभी बस ये लोग आ जाएँ सारे लोग, तो खाना वगैरह हो जाए, उसके बाद फिर हम मैं ना रेस्ट करूँगी। बहुत ही ज़्यादा मतलब थक गई हूँ मैं, और मैंने ना कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए हुए हैं, तो आ जाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वैसे भी आजकल ना मैं वीडियो कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि मेरे व्यू बिल्कुल से डाउन हो गए हैं, बिल्कुल ही डाउन हो गए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, कुछ कमी है तो भी बता दीजिएगा। और वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो अच्छे से अच्छे आएँ। और आज का क्लीनिंग ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मेरा रूम यहाँ पे ना, मैंने यहाँ पीछे वो फ्लावर बनते हैं ना वो ऑर्डर किया हुआ है, तो वो आ जाएंगे तो मैं यहाँ पे फिर फ्लावर बनाऊंगी, काफ़ी अच्छा लगता है बॉल ना, उससे बहुत अच्छी लगने लगती है। तो जैसे ही आ जाएगा मैं, अभी जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना दिवाली पर, तब भी बनाऊँगी मैं, क्योंकि अभी तो बना नहीं सकते हैं, अभी तो आया भी नहीं, मैंने आज ही ऑर्डर किया हुआ है। सो जब आ जाएगा तब मैं यहाँ पर बनाऊँगी वॉल पर वो फ्लावर, और काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है उससे, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, जैसे यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे तो वैसे प्रॉपर है सारा कुछ, तो अच्छे तरीके से वीडियो बन जाता है, पीछे का लुक भी बहुत अच्छा है। और वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे लुक ना जगह जगह से खोदा हुआ सा है, अजीब सा है ना, इसलिए उसको लुक नहीं आ पाता बहुत अच्छे से, तो लुक के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो लुक अच्छा नहीं होता है ना जब, तो फिर वीडियो थोड़ी सी बनाने में वैसे अजीब लगने लगता है। इसका वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।